बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे थे, बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस हो रही थी, हम नौजवानों के पास, हम अपनी टीन्स में उस वक्त बहुत कुछ होता था एंटरटेनमेंट के लिए। अब नौजवान के पास वो चीज़ नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, और उसका शायद वो जो इजहार है वो कहीं एक्सट्रीमिज्म की तरफ हो जाता है, आपके एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस आ जाते हैं, आपने अदम बर्दाश्त पड़ गई है। व्हाई इज दिस हैपनिंग फखरे आलम? तो रीदा, आई थिंक के मुआशरे की ना, हमारी पाकिस्तानी मुआशरे की अनफॉर्चुनेटली ये रिग्रेशन में रहा है। और ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक सिर्फ की शोबिज के अंदर ये प्रॉब्लम रही है। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको ये चीज नजर आएगी कि आई थिंक वी रिग्रेस्ड। एंड आई थिंक ये जो दो आपके पास हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आपके, you know, जमाल शाह साहब हो या फाखिर हो, they will tell you, फाखिर will tell you how the music industry has shrunk or deteriorated and left to one, you know, studio, beverage based studio program. That's right. जिससे कि पूरी इंडस्ट्री जो थी वो चल रही थी, क्योंकि वहां से हिट होगा तो कुछ आगे आपको काम मिलेगा। Exactly. या वो जो बॉलीवुड चले गए तो उनको थोड़ी बहुत वहां से रिकग्निशन मिल गई तो उनको काम मिल गया। या जमाल शाह साहब से पूछें तो आपको बताएंगे कि ड्रामा इंडस्ट्री, आई मीन ये नहीं है कि अच्छे ड्रामे नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन उनकी अब जिसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, देयर नॉट एज रेगुलर। वेदर तो होता था बैक टू बैक आपको बड़े अच्छे ड्रामे देखने को मिलते थे। ऑल्सो क्लटरिंग भी हो गई है। देखिए पुराने वक्तों में अब दो चैनल थे, क्या पीटीवी था पहले तो फॉर लॉन्गेस्ट टाइम नेशनल चैनल, एंड देन यू हैड NTM, STN, NTM, and then the, you know, advent of new age mainstream media. So as overall, I think as a society, we have been regressing, whether it is industrialization of Pakistan, whether it is infrastructure of Pakistan, whether it is the education, whether it is the arts, sciences, literature, whether it is sports, just tell me, कौन सी मुझे एक चीज बता दें कि मैं जिसमें बोलूँ आपके साथ हम लोग बैठे यहाँ पर और गुफ्तगू में कहें कि हाँ जी ये चीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, एंड या ये चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से चली। वी आर फेस्ड विद चैलेंजेस। अनलेस और अंटिल हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो रियली यू नो इन दिस टुडेज डे एंड एज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू हैव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन and then be able to actually exert that opinion or any kind of influence on anything, any kind of foreign policy. yahan par kehna ye bada zabardast hai, pakistan mein hum log bada aaram se keh dete hain oye aisi ki taisi kar denge, hum nahi mante hum, aur hum unko us mulk ki eend seend baja denge aur uske sath ye kar denge. It's easy to say this. It's populist, it's unbelievable that we get consumed by these things. We should all as a nation be focusing ek cheez ke upar, how do we get out of this hole? How do we make sure कि पाकिस्तान में कोई नौजवान जो है उसको ये फिक्र नहीं है कि मैं अभी अपनी डिग्री खत्म करूंगा तो मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? लेकिन अगर हम if we go back turn the wheel towards 80s and 90s, उस वक्त भी नौजवानों के पास रोजगार इतना ज्यादा तो नहीं होता था, महंगाई होती थी। आई मीन वी वर नॉट दैट इकोनॉमिकली स्टेबल कि हम कहें कि एवरीथिंग वाज सो गुडी गुडी, बट स्टिल हमारे नौजवानों के पास एवेन्यूज बहुत, द सॉफ्ट पावर वाज देयर, द सॉफ्ट पावर ऑफ शोबिज इंडस्ट्री, ऑफ म्यूजिक, ऑफ लिटरेचर, इतना कुछ जबरदस्त प्रोड्यूस हो रहा था, सो हमारे पास एवेन्यूज काफी थे अपने आप को। 80s और 90s में खरीदा हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं थे okay. हमारा दिमाग खराब करने के लिए 100 जगह से उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी। That's right. हमारे पास हमारे वालदैन के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का टाइम भी होता था। हमारे पास ग्राउंड होते थे जहाँ पे हम जाकर खेल खेला करते थे। हमारे पास बाहर निकलते वक्त ये फिक्र नहीं होती थी हमारे घर वालों को कि यार ये बच्चा घर वापस आएगा कि नहीं। यू नो देयर आर जस्ट टू मेनी डायनामिक्स एट प्ले ओवर हियर, बट अगेन समराइज इट ऑल, वी रिग्रेस्ट, अनफॉर्चुनेट बट वी रिग्रेस्ट।